फिर कहने दूसरा प्रमाण जिहड़ा अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाया जा सकता उस अकाल पुरख वाहिगुरु का। कहने अनुमान प्रमाण दे विच अनुमान ला सकते हैं कि परमेश्वर इस तरह का होगा, परमेश्वर इस तरह का होगा। कहने अनुमान की लाओगे, अनुमान प्रमाण वो होंदा जदों एक चीज के बराबर आप दूजी चीज को खड़ा कर दिए कि फलानी चीज फलाने वर्गी है, फलानी चीज फलाने वर्गी है, उदों तां आप प्रमाण दे सकते हैं। पर जिहड़ा सर्व व्यापक परिपूर्ण वाहिगुरु अकाल पुरख है जां साडी आत्मा है, इहदे वर्गा दूसरा होर कोई है ही नहीं। इस करके आपां उहनूं प्रमाण की दे सकते हैं, वह प्रमाण भी इन्हां ने निखेध कर दिता। तीजा प्रमाण जिहड़ा आउंदा निखेध प्रमाण, उहदे विच हुंदा उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण विच भी निखेध कर दिता किवें कि आपां उहदी उपमा नहीं कह सकते। लागन का है कछू है, लवै का अर्थ है बराबर, अगम गोचर साहेब दूसर लवै ना लावै। लवै का अर्थ है बराबर खड़ा करके, जिमें कोई भी बंदा गुरु ग्रंथ साहब के बराबर लिया के होर कोई ग्रंथ भावें लखां ग्रंथ प्रकाश कर दो, भावें कोई जिमें जेठू वाली हुंदा सी, एक बड़ी पुरानी गल है, उन्हें अपने नाल कुछ पढ़े लिखे बंदे रखे, वह कहिंदा सी मैं पता नहीं किन्ने मन का ग्रंथ बनाना, एक ऐं तां भावें कोई 50 मन का ग्रंथ बना के गुरु ग्रंथ साहब के बराबर रख दें, क्या आपां नूं मान लांगे? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जो ने गुरु ग्रंथ साहब ही हैं, इन्हां दे बराबर होर कोई नहीं है, अकाल पुरख के बराबर होर कोई नहीं जिहदा आपां प्रमाण दे सकीए कि फलाना जिहड़ा वो रब है, फलाना दूसरा रब है। इस करके आपां महाराज कहिंदे उपमान प्रमाण भी नहीं दे सकते कि यह फलानी चीज फलाने वर्गी है, उहदे विच जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजा। देव जी महाराज वो साढ़े ते बख्शिश कर रहे ने, जिन्ना क हजम हो जाए उन्ना क आपां रोज छकते हैं भाई, इन्नी की चीज ही आपां हजम कर सकते हैं। प्रमाण सीगे पहला विधि पक्ष नाल छे, वो अपने ढंग नाल सेवा कर रहे हैं अकाल पुरख की। निखेध पक्ष वाले अपने ढंग नाल सेवा करते हैं, निखेध पक्ष विच आपां श्रवण कर ले प्रमाण पहले तीन। सो जिहड़ा चौथा प्रमाण है इहनूं अर्थापति प्रमाण कहिंदे ने। अर्थापति प्रमाण विधि पक्ष विच इहो आया सी, जिवें कोई बंदा दिने कुछ नहीं खांदा, रात नूं लोके रोटी खांदा होवे, उहदे शरीर नूं वाधा देख के अंदाजा लाया जा सकदा है। इउं ही कहिंदे आपां ब्रह्म दा अंदाजा ला सकदे हां इस सृष्टि तों, यह तो विधि पक्ष वाले कहते हैं। पर निखेध पक्ष वाले कहते हैं नहीं, शरीर का बोध खाना खाण नाल तां हो सकता है, अन्न खाण नाल, क्योंकि अन्नमय कोश है यह, पर क्योंकि जिहड़ा ब्रह्म है जिहड़ी आत्मा है, आत्मा सर्वव्यापक है, जो यह आत्मा का बोध किसी अंदाजे नाल नहीं हो सकता, क्योंकि मन बाणी तो अविशे है, मन बाणी का विशा नहीं है, भाव जुबान नाल, बाणी का भाव मन करके, अखां नाल नहीं देखिया जा सकता, उन्हों हत्थां नाल पकड़िया नहीं जा सकता। इस करके वह ब्रह्म अपने विच आप ही है। सो फिर उस तो बाद पंजवां प्रमाण जिहड़ा दिता अन उपलब्धि प्रमाण है, इहनूं भी निखेध करदे ने। उह अन उपलब्धि प्रमाण विच इस प्रकार जो आया सी कि किसी ने कहा फलाने थां दैंत रहिंदा जां देव रहिंदा, लोकां ने यकीन कर लिया सी। पर इस पासे निखेध पक्ष विच अन उपलब्धि प्रमाण विच इह गल उह कहिंदे ने कि इस तरह हो ही नहीं सकदा, क्योंकि वह अकाल पुरख जिन्हों आप नहीं कह सकते कि वह वाहेगुरु किसी देश विच रहिंदा, क्योंकि एक देश विच नहीं रहिंदा, वह फिर वह काल विच नहीं है, समय विच नहीं है, फिर वह वस्तु विच नहीं है। वस्तु जिहड़ी आई सी थोड़ी जिही औखी आई सी, आपां सुनी भी सी प्राग्या नामे जीव जिहड़ा। सो इस प्रकार वह जागृत अवस्था जिहड़ा रहिंदा है, विश्वनामे जीव
सुखोपत अवस्था का अभिमानी ये चीज़ा जड़ियाँ सुनिया से इनू वस्तु कहते हैं। वाहेगुरु देश काल वस्तु करके खंडन नहीं हो सकता क्योंकि वह भूत भविख वर्तमान तिना समया विच हाजर रहिंदा है। इस करके वह वाहेगुरु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है। महाराज कहिंदे सारिया देशों में सारिया भेषों में उन्हूं खंडन कित्थों करोंगे। अखंड चेतना काल पुरख वाहेगुरु है उन्हों आप खंडन नहीं कर सकते। जल थल मही अल पूरिया स्वामी सिरजनहार अणक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। हुण आ गया शब्दापति प्रमाण। शब्दापति प्रमाण में आप सुनिया सी जिवें किसी ने पलटन विचों आ के उसे दी पलटन दे बंदे ने पिंड च आ के उहदे पिता नूं कहा तुहाडा पुत्र सूबेदार बन गया यकीन हो गया सुन के। पर नखेद पक्ष वाले इहदा भी खंडन करदे ने करदे दोनों ही सेवा ने। उन्हां दी सेवा उस तरीके नाल उन्हां दी सेवा उस तरीके नाल जिन सेवा तिन पाया मान। जिन्हां ने सेवा की उन्होंने मनन प्राप्त किया। अकाल पुरख का मनन राही ज्ञान हुंदा। शब्दापति प्रमाण है कथन कहण को सोझी नाही। हुण इह नखेद पक्ष वाले कहिंदे ने भई कथन अते कहण नूं कुछ कह ही नहीं सकते अकाल पुरख बारे इहदी सोझी नहीं पै सकती। कहने फिर सोझी किनू पैंदी है जो पेख है तिस बन आवै। ये तो जेड़ा दर्शन करता ना उसनों ही बाण आउंदा। बस कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान कैबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। की तुसी कहोगे उहदा प्रमाण दे के। शब्द प्रमाण राही नहीं आपां जाण सकदे। ये तो बस जिन्हें देखिया कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। इस करके वो इस ढंग नाल अपनी सेवा करते ने। जिन सेव्या तिन पाया मान उन्होंने मनन ज्ञान दे राही परमेश्वर नूं प्राप्त किया है। इस करके वो कहते हैं कि वाहेगुरु छे प्रमाणा द्वारा भी अभिषे है। फिर वो किवें है कहते वाहेगुरु स्वै अनुभव प्रमाण स्वरूप है। वो अपने आप तो आप ही प्रमाण रूप है। जिवें एक बारी बड़ी पुरानी गल है आखिर महाराज दसवें पातशाह फिल्म बनाउन लगे सी। तां फिल्म बनाउन लगे कि दसवें पातशाह फिल्म बनाउनी है। तां फिर जदों सारियां नूं जाके संतां महात्मा नूं पुछदे रहे कि असीं फिल्म बनाउनी है इजाजत दिओ ते एक महात्मा कहण लगे भई देखो वो जिहड़ा एक्टर सी ना दसवें पातशाह वह आप ही सी। उहदी रीस होर कोई नहीं कर सकता। उहदे बराबर होर कोई नहीं जा सकता। इस करके अकाल पुरख जेड़ा कुछ है वह आपे ही आप है। उन्हों किसे प्रमाण की लोड़ नहीं पैंदी। इसे करके वह स्वय अनुभव प्रमाण स्वरूप आप ही आप है। दसवें पातशाह देंदे ने इहदा प्रमाण जाप साहब दे विच अनुभव प्रकाश निस दिन अनास। ये इन्हां छे प्रमाणा का खंडन करते हैं महाराज सच्चे पातशाह भी। कहने वो तो अनुभव प्रकाश है रात दिन प्रकाशमान करन वाला सारिया दे ताई। इस करके जिन सेव्या तिन पाया मान जिन्होंने जिमें भी सेवा की है उन्होंने उस प्रकार ही मान तो भाव मनन ज्ञान नूं प्राप्त किया है। नानक गाविया गुणी निधान। नानक तो भाव गुरु नानक देव जी फरमाते ने गुणी निधान जिहड़ा गुणा का खजाना है अकाल पुरख वाहेगुरु निदान तो भाव खजाना। उस खजाने गावी है किवें कहिंदे कल्ले ना गायो अपने आप ही गुरां दे राही गायो संगत दे नाल मिल के गायो। कल्ला बंदा कदे सफला नहीं होया संगत तो बिना सतगुरु तो बिना भी मैनू गुरु की लोड़ नहीं मैं तो अपने आप ही तर जावांगा। तां महाराज नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनिए मन रखी है पाओ। कहते गावी है गाओ गाउणा करो पहला अपनी जुबान दे नाल उहदे नाम नूं बाणी नूं फिर सुनिए फिर ध्यान दे नाल सुनना करो। गावी है सुनिए फिर मन मनन करो उहदा फिर रखिए तो भाव उहनूं बसाउणा करो अपने हिरदे दे विच। फिर हुंदा है भाव प्रकाश।
रखिया का अर्थ निध्यासन करना। यह तीन चीजा आम कथा च सारे ही कहते हैं कि श्रवण मनन निध्यासन इसकी कमाई करो, श्रवण करो फिर मनन करो फिर निध्यासन करो। पर महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि आप पहला सुन आए हैं यह सारिया चीजा कि हूँ श्रवण का जड़ा है भाव की है, मनन का भाव की, मनन किनू कहने ने, इहदी उत्पत्ति कित्थों होई है, असल विच इह है की, ते निध्यासन किनू कहने ने, कमाई करन, इह निध्यासन का भाव की है। जे आपां नूं मूल रूप विच किसे गल का पता ही नहीं इन्हां चीज़ां ने जन्म कित्थों लिया जां इन्हां दा भाव की है, फिर आपां इह तां सारी जिंदगी कही जावांगे बई श्रवण मनन निध्यासन करो बई, पर इहदा ज्ञान होना जरूरी है। हुण सतगुरु महाराज पहले तो आपां नूं यही कहिंदे ने कि गावी है, जदों कहिंदे ने गावी है बाणी, सतगुरु जी जदों बाणी गाउंदे ने सुणाउंदे ने, जे आम बंदा अज दे युग च कहे भी महाराज तां हुण बाणी सुणाउंदे नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब तां हुण बोलदे नहीं, महाराज बोलदे ने, सतगुरु जी अपने आप नहीं अवा तवा बोलदे, ये वो गल नहीं है कि एवें बैठे गल्लां करी जाण, ये तो जे कोई आके प्यार नाल ताबिया बैठेगा, मंगल करेगा, महाराज के दर्शन करेगा, जदों बाणी नूं बोलदा है, जे कोई किसी की चिट्ठी पढ़ के आखे कि चिट्ठी लिखण वाला मैं हाँ, ये तो नहीं हो सकता, वो जिहड़ा बोलदा ना असल विच वो तो उही बोलदा जिहदी चिट्ठी आई हुई है, असल विच तो उही बोलदा है। महाराज कहते यों जान के गुरबाणी नूं पढ़ो कि गावी है, जदों सतगुरु जी गाउंदे ने भावें आपां ही पाठ करदे होईए, पर यह ना कहो कि मैं सुखमनी साहब पढ़ लिया, तू तो पढ़िया ही है ना, तू रचता तो नहीं है, इहदा सुखमनी साहब नूं रचिया तो तू नहीं है, पंजवें पातशाह ने रचना की है, तू उहनूं गावी है पढ़न वाला जिहड़ा है, तू ये समझ के गुरु साहब ने मैनूं सुनेहा भेजिया। इस प्रकार भावना के नाल जदों इउं जाणो कि जिन्नी मैं बाणी पढ़ रहा जां कीर्तन सुन रहा कथा सुन रहा यह सतगुरु जी ही मैनू सुना रहे ने, इउं गावी है, जदों गावी है सतगुरु जी गाउंदे ने, कीर्तन भावें रागी सिंह करदे ने, कईआं दा इह विचार हुंदा कि रागी कीर्तन करदे ने इह रागी दी शकल नहीं चंगी है, इहदी ट्यून नहीं चंगी है, आ फलाना आ इं गल्लां सोचण दा की फायदा, उदों अखां बंद करके जिहड़े पातशाह दा शब्द चलदा वो पढ़दे ने, उसे पातशाह दा ध्यान करके सुनो कि इह तां पंजवें पातशाह गा रहे ने, इह थोड़ी गा रहे ने, इहनां कोल की है, जे बाणी उहनां ने गाई है ताहीं उहनां ने अगे गाई है, इस करके निर्माता तां उह ने, रचण वाले तां उह आप ने, वो जदों भी कीर्तन हुंदा तां इउं समझो कि वह सतगुरु गा रहे ने, तां फिर उहनूं गावी है वह पिछे जिहड़ा आउंदा ना मन रखी है भाव, भाव दा अर्थ है प्रेम, जदों सतगुरु की बाणी गाउंदा कोई, कोई सुणाउंदा पाठ सुणाउंदा, कोई कथा सुणाउंदा, कोई तुहानूं वाहिगुरू वाहिगुरू सुणाउंदा, उदों भावना नाल जाणो कि सतगुरु सुणा रहे ने, फिर शरधा बणनी अपने मन च, फिर कृपा होनी है सुणी है, फिर सुनना करो उन्हूं प्यार नाल भी ये सतगुरु महाराज मैनू सुना रहे ने, सुनिए भाओ प्रेम दे नाल सुनना करो उन्हूं, श्रवण करना, मन मनन करो, मन दे अंदर रखिए निध्यासन करो, फिर भाओ प्रकाश होवेगा। हुण कहने श्रवण पहला तो गाउणा तो आपां सुन लिया कि सतगुरु जी गाउंदे ने ते आपां सुणदे हां, हमेशा जदों पाठ करो यही समझो भई महाराज मैनू बाणी सुना रहे ने, यह ना कहो कि मैं पढ़ रहा, जे आपां इह समझ लांगे महाराज मैनू बाणी सुना रहे ने तां आपां कन्नां नाल आपे सुनी जानी है, इउं ना जाणो, जे तुसीं कहो नहीं इह तां मैं बोल रहा जां मैं कीर्तन कर रहा, नहीं भाई वाहेगुरू की जोत तेरे अंदर है तां तू बोल रहा है, वाहेगुरू बोल रहा तेरे अंदर, तू कन्नां नाल सुन, इन्नी भावना बनाओ कि गुरु नानक देव जी मैनू जपजी साहब सुनाउंदे ने, गुरु अर्जन देव जी मैनू सुखमनी साहब का पाठ सुनाउंदे ने, जाप साहब मैनू दसवें पातशाह सुनाउंदे ने, जद इउं प्रतीत करन लग जाओ तां वाकई उही अवस्था बन जाती बंदे दी। फिर महाराज कहिंदे फिर मन रखी है भाओ,
मन के अंदर भावना यह कर लो हूँ ये जड़िया तीन चीजा आई ने कि गावी है फिर सुनी है ये सुनना है ना यह सुन का स्वरूप की है सुन का लक्षण की है यह जड़ा श्रवण है सुनना है किन्ने प्रकार का है श्रवण भी दो प्रकार का है श्रवण का मतलब यह हुंदा कि जिहड़ियां पंगतियां सुन के उन्हां पंगतियां दे महात्म का जिहड़ा निर्णा करना उन्हें तात परज का निर्णा करना है ना प्रयोजन का निर्णा करना है उन्हू सुन के जिहड़ा अपने मन का टिकना है सुन के मन टिकदा असल विच जदों आपां पाठ करदे हां उहदा अपना मन किते होर हुंदा इस करके गुरबाणी अपने मूँह में होंगी है मन हुणी किते होर गए ने मन तो टिकिया नहीं महाराज कहने पहला श्रवण करना सीखो प्यारियो श्रवण तो अगे ना जाओ पहला जेड़ा बंदा श्रवण कर लेगा अपने आप ही मनन हो जा जे पहली क्लास विच बच्चा दाखिल करा दिए अगले साल दूसरी च उन्हें हो ही जाना है फिर तीसरी च भी हो ही जाना है तो जे पहला ही पंजवीं च दाखिल कराउण नूं फिर प्रिंसीपल मानदा कितें भी पहली क्लास का बच्चा पंजवीं दाखिल कर लो जी वो नहीं मानता महाराज कहने पहला श्रवण नूं जाणो है कि यह श्रवण दो प्रकार का है उहदे विच भी अगे पहली प्रकार का तो एक प्रकार का दूसरी प्रकार विच छे चीजा आउंदियां ने जब तक वह छे चीजा का ज्ञान नहीं हुंदा उदों तक श्रवण करन नूं आपां समझ ही नहीं सकते सो सतगुरु महाराज कल नूं आपां दसणगे कि श्रवण किवें करना फिर अगे हौली हौली दसणगे मनण की चीज हुंदी है फिर अगे दसणगे निध्यासन किनू कहिंदे ने इन्हां गल्लां दा जब तक ज्ञान नहीं हुंदा उदों तक आपां पंच प्रवाण की पौड़ी नहीं समझ सकना पंच प्रवाण की पौड़ी समझण लई फिर देखो महाराज सच्चे पातशाह सुनिया दीयां चार पौड़ियां कहणगे फिर मनण दीयां चार पौड़ियां कहणगे फिर पंच प्रवाण वाली पौड़ी निध्यासन की पौड़ी है इस पौड़ी विचों उस पौड़ी तक जाण लई सानूं पहलां इस नूं समझणा पैणा जिवें किसे थां ते जाण लई पहलां उहदे कानून समझो फिर उत्थे जाओ ये पंजवीं पौड़ी विच गावी है सुनी है मन रखी है भाओ दी विचों ही पंच प्रवाण की पौड़ी तक का ज्ञान सतगुरु करवाउणगे इस प्रकार गुरु नानक देव जी नूं ताइयों कहा कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कद राखी मेरी महाराज सब तो वड्डे ने समझाउण दे तरीके भी महाराज के बड़े सोहणे ने प्यार नाल समझा रहे ने आपां समझ रहे हैं वड्डी चीज़ है गावी है गावी है वाहेगुरु मंत्र नूं इउं जाण के भी ये गुरु नानक देव जी ने दिता है गुरु नानक देव जी बोल रहे ने संगत रूप विच ते मैं सुन रहा हाँ मन दे च भावना रख के अज इउं जाणो भी जिहड़ा वाहेगुरु अखर आ रहा मेरे कन्नां विच वो गुरु नानक देव जी बोल रहे ने किंतु करन वाला करदा किवें विच संगत हर प्रभ वसै जी आऊं वह संगत विच बह के वह आप बोल रहा है उन्हूं तू प्यार नाल सुनने वाला जिज्ञासु बन जा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आपां हौली साइंस की किताब आरंभ हुंदी है दूसरी तीसरी क्लास तो ही बड़ा छोटा जिहा एक प्रसंग हुंदा एक फुल दा ही यह फुल हुंदा इहदियां पत्तियां हुंदियां ने आ चीज बन दो थोड़ा जिहा दस्या जांदा उही साइंस का प्रसंग चौथी विच जाके उहदे च एक लैसन होर वध जांदा यही वधदा वधदा अगे जाके वड्डियां क्लासां विच एक एक फुल दे उत्ते ही एक किताब लिखी जाती दिनों दिन ज्ञान वधदा आपने विच उल्ट रवाज हो गया भी अपना दिनों दिन ज्ञान घटदा जा रहा आपां चाहुंदे मैनूं सौखी जी गल बस दसो सौखी सौखी करदिआं करदिआं फिर गल दा आनंद नहीं बनता इस करके हमेशा ये सीखो कि ज्ञान बहुता मिले मैनूं जब तक किसी चीज़ का आपां नूं ज्ञान नहीं है उदों तक उहदी कदर नहीं है इस प्रकार उदाहरण वजों ही इन्ना क मैं कह दिंदा जां कोई बंदा बंदे ने दिल्ली शहर नहीं देखिया पिंड विच रहिंदा
कहिंदे ने लोक के दिल्ली गया सी मैं दिल्ली आ हुण पिंड च रहण वाला जिहड़ा बंदा उह समझदा वी इह वी कोई पिंड होणा वड्डा सारा उहनूं ज्ञान नहीं है। एक बारी उहनूं बंदा इक दिल्ली लग्गिया उहनूं घुमाया फिराया उह हफ्ता लग गया घुमदिआं नूं दिल्ली उत्थे जा उत्थे जा कहिंदा वी बहुत वड्डी है दिल्ली। जद हुण पिंड बैठे नूं उहनूं फिर कोई कहे भी दिल्ली देखी तो वो अखां दे मूहरे सारी दिल्ली आज दिल्ली अखर तो छोटा जिहा आ पर है बड़ा वड्डा भाई। सत दिन लग गए सानू दिल्ली घूमदिआं हले तक उहदा कोई उभरा भरा पता ही नहीं लग्गिआ किड्डी वड्डी। इस तरह जिहड़े लोग घर बैठे ने वो घर बैठे कहण लै वाहिगुरू वाहिगुरू करन दा की फायदा आ मूल मंत्र दा की फायदा आ जपजी साहब दा की फायदा। जब सत्संग विच बैठ के इहनू खोलोंगे ना दिल्ली वांगू देखोंगे जदे इहनू ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਣੀਐ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਐਸਾ ਛੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਪਹਿਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਪਿੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਉਪਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਪਸੰਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਸੱਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫੱਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੱਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਤਾ ਅਠਾਰ ਹੈ ਦਸ ਵੀਹ ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਦੇ ਆੜੇ 'ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁਣ ਆੜੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
महाराज सच्चे पातशाह ने गुरबाणी के अंदर मध्य भी जाके यही कहा, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। मध्य जाके भी इस तरह ही कहते हैं। इस करके पहला जिहड़ा लक्षण है उपकर्म उपसंहार का यह श्रवण, क्योंकि श्रवण दो प्रकार का। पहले प्रकार का श्रवण तो आप सुन ही लिया कि आत्मा परमात्मा रूप करके जान लें। दूजे प्रकार का श्रवण है जिहड़े गुरु के दसे हुए बचना के मुताबिक छे चिन्ह के राही आप पछाण कर सकते हैं। वो छे चिन्ह आपां याद होने चाहिए। चलो छे नहीं तो तुहानू दो याद रह जाएंगे, एक ही रह जाऊगा, माड़ा मोटा कोई पल्ले तो पै जाऊगा ना अपने। इस करके सतगुरु महाराज कहने दूसरी चीज होंगी अभ्यास, बार बार अभ्यास करना। श्रवण का दूसरा चिन्ह है हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। पंगति तो आप रोज ही पढ़ते हैं पर आप नहीं पता कि अभ्यास कराया होया। बार बार जी चीज न कहते हैं हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो। यह बार बार अभ्यास कराते हैं श्रवण के राही। जे आप इन सुनते हैं ताइयों अभ्यास करते हैं। सतगुरु महाराज कहते सुनने फिर ज्ञान हो जाता है।